कॉमेडी आर 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं कॉमेडी आर वेद के साथ। उत्तरी ये लोग नहीं देखेंगे कॉमेडी आर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो जा रहे हैं वो देखेंगे, वो बाकी लोग जो खड़े हैं ना वो सुनेंगे कॉमेडी आर 94.3 एफएम पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं आपके साथ में वेद और लेकर आया हूं मैं कॉमेडी आर का एक धमाकेदार एपिसोड हमारे ऑफिस के रूफ टॉप से, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा नागपुर। वो केपी ग्राउंड है, नागपुर की फेमस जगह। और कॉमेडी आर में आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के कुछ कठिन शब्दों के बारे में। शुरू करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि हमें हिंदी भाषा पे विशेष ध्यान देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पे कई लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। अगर फेसबुक हिंदी में हो जाता है तो क्या होगा? उसमें सबसे पहले राहुल ने एंजल प्रिया की फोटो को पसंद किया, यानी कि लाइक किया। आशीष ने सुयश और प्रिया की फोटो को बांटा, यानी कि शेयर किया। उसके बाद रत्नाकर ने पवन की फोटो पे 49 लोगों समेत पवन को टांगा, यानी कि टैग किया। कितना अजीब सा होगा ना। फिर किसी ने उंगली करी, यानी कि पोक किया। अब आप उसको उंगली नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपको दोबारा उंगली नहीं की है, यानी पोक बैक नहीं किया। खैर, शुद्ध हिंदी की जहां तक बात आती है तो शुद्ध हिंदी बोलना और लिखना काफी कठिन है। तो आज मैं सोच रहा हूं क्यों ना आपको कुछ चीजों के शुद्ध हिंदी वाले नाम बताए जाए। जैसे कि रेलगाड़ी, इसे कहते हैं सहस्त्र चक्र लौह पथ गामिनी। उसके बाद क्रिकेट, गोलगट्टम लगड़बट्टम देदनादन प्रतियोगिता। गुरु क्या बात है। टेबल टेनिस, लकड़ी के फलक क्षेत्र पे टकाटक 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 टकाटक। फिर लॉन टेनिस, हरित ग्रास पे दे तड़ातड़ दे तड़ातड़। इलेक्ट्रिक बल्ब, उसे बोलते हैं विद्युत प्रकाशक कांच गोलक। टाई, कंठ लंगोटक।